तो आज का टॉपिक है टॉप 3 मिस्टीरियस फैक्ट्स अबाउट एकांश। तो नंबर 3, जब एकांश नागबड़ी के बारे में और जानने के लिए उसे अपने कंप्यूटर पर स्कैन करता है तो उसे यह पता चलता है कि वह नागबड़ी में कुछ लिखा है, लेकिन वह उसे समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उसे लगता था कि अगर उस नागबड़ी में जो लिखा है उसे वह पढ़ सकता तो शायद वह नागबड़ी के ऑल पावर्स को यूज़ कर पाता, लेकिन वह उसे आज तक नहीं समझ पाया कि उसमें क्या लिखा है। नंबर 2, एकांश आइडेंटिटी। एकांश के घायल होने पर जब कियारा एंड चिकू ने उसे घर लाते हैं तो उसे स्नेक बर्ग की ही शेप में लाते हैं ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन एकांश के फादर को अपनी टेक्नोलॉजी स्नेक बर्ग के पास देख के उसे एकांश के रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया। लेकिन एकांश के फादर एक साइंटिस्ट थे जिससे उसकी टेक्नोलॉजी को काफ़ी लोग भी यूज़ करते थे, और इससे यह क्लियरली प्रूफ भी नहीं होता कि स्नेक बर्ग ही एकांश है। और एकांश के सीक्रेट को पता चलने के बाद वह इस मिस्ट्री को एक मिस्ट्री की तरह ही रहने देते हैं। स्नेक बॉय कौन है देख तो लेते हैं। नहीं दिया, रुको। एक सुपर हीरो की आइडेंटिटी उसका सबसे बड़ा सीक्रेट होता है। हम स्नेक बॉय की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसका मास्क रहने देते हैं। नंबर 1, मिस्ट्री ऑफ थ्री जेम्स। जब हमें कियारा और चिकू के पास ड्रैगन मड़ी अंतर तो मड़ी देखने को मिली तो हमें लगा था कि वो मड़ी उनके पास हमेशा कर रहेगी जैसे एकांश के पास है, लेकिन उन्होंने वो मड़ी नागदर्शकों को वापस लौटा दी तो हमें लगा कि वो मड़ी सिर्फ उनके पास कुछ देर के लिए थी। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये मड़ी उन्हीं के लिए बनी है और फ्यूचर में इनके पास वापस आ जाएगी। शायद एकांश के आने वाले सीजन 6 में ही उनके पास वापस आ जाए। मैंने पता नहीं है पर कुछ सालों में ये तीनों मड़ी